क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है क्या, घंटा लेकर जाएगा। वेलकम बैक। सो आज की हम पार्टी स्टार्ट करेंगे अपनी अनबॉक्सिंग से, जो कि होगी एक नेक बैंड, आप उसको बोल सकते हैं नेक बैंड, कॉलर बैंड, जो बोलना है वो लीजिए। तो आज हम करेंगे उसकी अनबॉक्सिंग, साथ ही मैं उसका रिव्यू दूंगा, मैं आपको बताऊंगा फंक्शनैलिटी क्या है इसमें, क्यों ये इतना एक्सपेंसिव है और मैंने इसको क्यों खरीदा। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। सो यहाँ पे मेरे पास है बॉक्स जो कि है नेक बैंड का, जिसका नाम है मोटो सराउंड। तो ये मोटोरोला ब्रांड है और यहाँ पे कुछ इसमें कुछ फीचर्स वगैरह लिखे हुए हैं। इसके फ्लिप करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाता है प्राइस पॉइंट देखने को, जो कि है 5400 का, और मेरे को मिला है इसी 5000 में, 400 की मैंने चॉकलेट खा ली, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिल जाती है 12 आवर्स की बैटरी लाइफ, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है। आपको बस 2-3 घंटे चार्ज करना होता है इसको, आपको 12 आवर्स की बैटरी लाइफ काफ़ी आराम से मिल जाती है। और यहाँ पे अगर हम बात करें बॉक्स कंटेंट्स की, तो एक बार इसको बॉक्स को हम खोल लेते हैं। यहाँ पे यहाँ पे मैं इसका ये बॉक्स खोल देता हूँ, अब ये निकल गया। तो यहाँ पे जैसे देखते हैं, यहाँ पे नेकबैंड पूरा फिट हो रखा है बॉक्स में, अब काफी इंप्रेसिव लग रहा है ये। अब इसमें प्लास्टिक कवर चढ़ रखा है जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, इसको मैं निकाल देता हूँ एक बार और साइड में रख देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास है नेक बैंड और साथ ही में एक मिल जाता है हमें बॉक्स जिसके अंदर कंटेंट्स वगैरह होंगे इसके, इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ। तो ये है नेक बैंड, वैसे तो काफ़ी इंप्रेसिव लग ही रहा है इसके, इसके आगे जाके हम बात करेंगे इसके बारे में। सो यहाँ पे हमें मिल जाता है बॉक्स, देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो यहाँ पे हमें कुछ बुकलेट टाइप मिल जाती है, जो हमारा किसी का तरीके से कोई काम है नहीं उसका, इसको हम अंदर रख देते हैं। साथ ही में हमें एक चार्जिंग वायर मिल जाती है जो कि है टाइप बी, तो ये काफ़ी इम्प्रेसिव है, लेकिन अभी टाइप सी चल रही है तो काफ़ी ज़्यादा पुराना है। सो अब हम यहाँ पे लास्ट कंटेंट है वो है ईयरबड्स, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव हैं, हर टाइप साइज़ के हमें मिल जाते हैं यहाँ पे अलग अलग ईयर्स के लिए, डिपेंडिंग अपॉन योर ईयर्स। सो ये काफ़ी इंप्रेसिव, इसको हम अंदर रख देते हैं, वायर को भी हम अंदर रख देते हैं। और यहाँ पे हमारे पास है नेक बैंड जिसके बारे में बात करेंगे, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी लग रही है मुझे इसकी। सो अब हम चलते हैं इसके फीचर्स वगैरह क्या क्या हैं इसमें, क्या क्या इसमें बटन्स वगैरह उनके क्या फीचर्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। सो अनबॉक्सिंग तो खत्म हो गई, अब उसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है नेक बैंड बोला था मैंने, अब यहाँ पे मेरे पास ये पड़ा हुआ है नेक बैंड और ये मेरा सबसे एक्सपेंसिव आइटम है अभी तक की। तो इसका जो प्राइस है वो है 5400 और मैंने ये खरीदा था 5000 में, 400 का डिस्काउंट, उसके मैंने चॉकलेट खा ली थी। तो यहाँ पे है ये नेक बैंड और काफी अच्छा है, फिनिशिंग काफी अच्छी है इसकी, काफी अच्छी क्वालिटी है, 5000 रुपीज का काफी अच्छी क्वालिटी हमें मिल जाती है देखने को। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नेक बैंड है और नेक बैंड इसको हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये नेक में हमें फिट हो जाता है। अब ये है वायरलेस, तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको रखूंगा, थोड़ा मैं क्लोजअप में आ जाता हूँ। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं यहाँ पे एक नेक बैंड है, तो यहाँ पे आके फिट हो जाता है। यहाँ पे इसके ईयरबड्स हैं, तो यहाँ पे जितना कान में फिट होते हैं, ठीक है, ऐसे करके तो ये हो गए कान में फिट। और मुझे बेसिकली सुनाई नहीं देता क्योंकि यहाँ पे ये जो है रबड़ के बने होते हैं, इसलिए यहाँ पे इनका एयर वेंटिलेशन इतना अच्छा नहीं होता। तो लेकिन काफ़ी अच्छी हमें इम्प्रेसिव हमें जो वॉइस क्वालिटी देखने को मिल जाती है और काफ़ी एकदम दिमाग में बम आवाज़ देखने को मिलती है, तो ये काफ़ी अच्छी इम्प्रेसिव है चीज़ है यहाँ पे। और यहाँ पे इसको मैं एक बार लगा देता हूँ, ये काफ़ी परेशान करता रहता है ना। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है ना, ये ईयरबड्स यहाँ पे फिट हो जाते हैं, यहाँ पे नीचे पीछे मैग्नेट लगा हुआ, यहाँ पे एक आयरन का आइटम है, यहाँ पे एक मैग्नेट है, तो यहाँ से एक यहाँ पे फिट हो जाता है और कहीं हिलता नहीं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें उन्होंने बना रखी है, वरना ऐसे तो भाई ये ऐसे झूलता रहेगा और आपको पता नहीं कहाँ जाएगा और ये टूट भी सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने काफ़ी अच्छी फिटिंग दे रखी है जहाँ की यहाँ पे अटैच हो जाता है। अभी तो काफ़ी ज़्यादा सस्ते भी मिलते हैं यहाँ पे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो अभी तक काफ़ी एक्सपेंसिव आइटम दे रखी है मैंने हेडफोन के मामले में। और यहाँ पे इसकी फंक्शनलिटी मैं आपको बता देता हूँ, पहले मैं ये हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी राइट साइड की बात करें, तो ये मेरा राइट हैंड है, यहाँ पे इसकी राइट साइड की बात करें, हम इसको ऐसे नहीं पहनते यहाँ से ऐसे करके, तो ये इसको राइट साइड है। यहाँ पे हमें नीचे देखने को मिलता है एक पावर ऑन और ऑफ बटन, और जैसे आपको पता है कि ये वायरलेस है, यहाँ पे ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है, तो यहाँ पे पहले हम इसको ऑन करना पड़ता है, ठीक है, वो आपको बता दूंगा कैसे करते हैं। तो यहाँ पे इसका हम पहले खोलेंगे इसको, ये है आपका चार्जिंग पॉइंट जो आपको लगाना पड़ता है चार्जिंग के लिए। टाइप सी नहीं है ये, काफ़ी ज़्यादा मैंने पहले ले रखा था,
तो यहाँ तब टाइप सी आ भी नहीं रखा था, तो ये काफ़ी पुराना है, जो आपको पुराने फोन में देखने को मिल जाता है टाइप ए कनेक्शंस वो आपको देखने को मिलता है इसमें भी। साथ ही में यहाँ पे आपको मिल जाता है यहाँ पे प्ले और पॉज का बटन। तो जैसे कि आपको पता है ये जो साइन है यहाँ पे ये प्ले और पॉज के लिए होता है, तो यहाँ पे इसका बटन है यहाँ पे दे रखा है। साथ ही में यहाँ पे जो दे रखा है ये है वॉल्यूम अप एंड डाउन, तो ये है वॉल्यूम अप शायद से, ये वॉल्यूम अप है, ये वॉल्यूम अप है और ये वॉल्यूम डाउन है। और यहाँ से वॉल्यूम रॉकर्स बटन दे रखे हैं आपको। साथ ही में यहाँ पे इसको अगर मैं हटाऊँ तो लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिल जाता है एक कॉलिंग का ऑप्शन, जो आप कॉल उठा सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर आप क्लिक करना आपकी कॉल उठ जाएगी, और बाकी यहाँ पे कोई कनेक्शन दे नहीं रखे। तो बस इसमें काफ़ी ज़्यादा सिंपल है और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी है, काफ़ी अच्छी इसकी बिल्ड क्वालिटी भी देखने को मिल जाती है। अगर हम इसकी स्टाइल की बात करें तो भाई काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगता है अगर आप पहने कहीं घूमे अराउंड कैफे पार्टी वगैरह में जा रहे हैं या फिर कोई ट्रैवल कर रहे हैं। मोस्टली ये ट्रैवल पर्पज़ के लिए बना रखे हैं, ताकि आपके जो हेडफोन्स वगैरह जैसे आप वायर्ड जैसे आप यूज़ करते हैं कोई भी, तो वो आपको जैसे कि आप बिठा देते हैं उसको अंदर वायर जाती है पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक अंदर तक, तो काफ़ी ज़्यादा इतना अच्छा नहीं लगता उसमें। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और यहाँ से आपकी वायर भी नहीं है, वायरलेस है, और सीधा आपको यहाँ पर कनेक्ट करना होता है ब्लूटूथ से, और यहाँ जाके आपके यहाँ कनेक्ट हो जाते हैं, आपको गाने सुनने देखने को मिल जाते हैं। अभी मेरा कान एकदम बंद हो जाता है इससे एकदम, क्योंकि इसमें एयर वेंटिलेशन कुछ नहीं है, तो मतलब अगर आप ईयरबड्स लगा रहे हैं तो आपको कान में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है मेरे हिसाब से, इसलिए मैं इसको ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं करता हूँ। मैं कभी कभी यूज़ करता हूँ, मोस्टली मैं या तो अपने हेडफोन्स जिसके मैंने पहले रिव्यू कर रखा है वो आप देख सकते हैं वहाँ जाके, फिलिप्स का है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल और काफ़ी अट्रैक्टिव भी है, तो वो भी जाके आप ले सकते हैं। पिछली वीडियो में यहाँ फ्लैश हो रही होगी, और ये काफ़ी ज़्यादा मैं कम यूज़ करता हूँ लेकिन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, लोग काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की ब्लूटूथ से कैसे कनेक्ट करते हैं, तो ये है मेरे पास वीवो का फ़ोन, और यहाँ से अगर मैं जाऊँ इसको तो पहले मेरे पास यहाँ पे आएगा ब्लूटूथ का ऑप्शन, तो ये है मेरा ब्लूटूथ, तो पहले मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। अब पहले स्टेप वन, तो इसको ऑन कर लिया, लेकिन इसको यहाँ से भी ऑन करना पड़ता है। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था यहाँ पे है ये ना कनेक्शन, तो राइट हैंड साइड के नीचे यहाँ पे कनेक्शन दे रखा है, यहाँ पे आपको पावर ऑन और ऑफ, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है, होल्ड करना पड़ता है, तो यहाँ पे एक वाइब्रेशन सी होती है, ये वाइब्रेशन हुई और यहाँ पे आपको एक ब्लिंकिंग मिल जाती है जो कि है ब्लू LED। तो यहाँ पे जैसे ब्लिंक होना स्टार्ट कर देती है तो वैसे ही आपको, चलो अभी मैं लगाता नहीं हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले कैसे होता है। तो जैसे कि यहाँ पे डिवाइस, अब यहाँ पे मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, ऑन मैं ऑफ करता हूँ फिर से ऑन कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे देखिए ये ब्लू लाइट स्टार्ट हो गई है। अब इसका जो नाम है वो है आई थिंक सो मोटो करके ही आता है यहाँ पे, अभी सर्च हो रहा है यहाँ पे आ गया ना मोटो सराउंड, तो इसका जो ब्लूटूथ का नाम है वो है मोटो सराउंड। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ऐसे ही ये देखिए यहाँ पे एक वाइब्रेट हुआ और यहाँ पे जो LED है वो स्टिल हो गई, तो मतलब अभी इससे कनेक्ट हो चुका है। अब मैं जो भी इसमें गाना चलाऊंगा वो इसमें मुझे सुनाई देगा, साथ ही में इसमें जो आप कॉलिंग वगैरह सिस्टम है वो भी आप कॉल उठा सकते हैं इसमें काफ़ी इजीली, और यहाँ पे आपको माइक सिस्टम भी देखने को मिल जाता है, नॉइज़ कैंसिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इसकी। तो अभी हम इसकी कर देते हैं थोड़ा गाने वाने सुन लेते हैं, मुझे थोड़ा जुकाम हो रखा है तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। मैं आपको सुना नहीं सकता, मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक कर देगी, मैं सुना नहीं सकता, ऐसा छोड़ो, तो मैं सुन के आपको सुना दूंगा थोड़ा सा, जितना वैसे बहुत बुरा गाता हूँ मैं तब भी, लेकिन मैं वो एक्सपीरियंस अपना शेयर कर दूंगा साथ ही में। तो यहाँ पे मैं चला देता हूँ विंग्स म्यूजिक, अपना टाइम आएगा सही है, चलो स्टार्ट कर देते हैं इसको। तो यहाँ से वॉल्यूम काफ़ी इजली आप इसको कर सकते हैं कम तेज, ऊंचा अपनी राख से तू ऊंचा अब तलाश में, पर वस्ते परवाने की आसमां भी सर उठाएगा, आएगा अपना टाइम आएगा, तेरे जैसा शरण लाला तुझे ना मिल पाएगा, ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा, ऐसा मेरा ख्वाब है जो तेरे को भी सताएगा, जिंदा मेरा ख्वाब अब कैसे तू दफनाएगा, अब हौसले से जीने दे अब खौफ नहीं है सीने में, हर रास्ते को चीरेंगे हम कामयाबी चीरेंगे, सब कुछ मिला पसीने से मतलब बना अब जीने दे, क्यों क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है क्या घंटा लेकर जाएगा, अपना टाइम आएगा। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं थोड़ा लिरिक्स में खराब हो गया था बीच में, तो उसको टेंशन ना लो वो चलता रहता है ठीक है। I found a love for me, darling, just dive right in, follow my lead, I found the girl,
beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. We were just kids when we fell in love, not knowing what it was. एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे और काफ़ी अच्छे एक नेक बैंड आपको देखने को मिल जाता है, इवन अगर आप रनिंग वगैरह कर रहे हैं साथ ही में, इसका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है अगर आप इसको ध्यान से सुने और आपके कान में एकदम फिट हो जाता है ये, और गिरने की थोड़ी चांसेस कम हो जाते हैं इसके, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। अगर मैं रनिंग वगैरह करने जाता हूँ तो उसके मैं कोई कोई पहन लेता हूँ इसको घर पर अगर होता हूँ, वरना हॉस्टल पर तो इसको लेके जाता नहीं हूँ मोस्टली, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देखने को भी मिल जाता है। यहाँ पे मैग्नेट्स वगैरह भी हैं, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर मैं इसको 10 पॉइंट से कंपेयर करूँ, 10 out of 10 दूंगा मैं इसको 9 तक, 1%। हाँ, इसकी प्राइस पॉइंट के ऊपर की प्राइस काफ़ी ज़्यादा है इसकी, अगर हम अभी कंपेयर करें बाकी जो नेक बैंड आ रखे हैं मार्केट में वो भी काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन में दे देते हैं, साथ में प्राइस पॉइंट कम होती है, लेकिन उस टाइम पे जब मैंने इसको लिया था 2 ईयर्स या फिर उससे पहले लिया था मैंने शायद से, तो काफ़ी 2 ईयर्स तो नहीं मेरे ख्याल से 1.5 ईयर्स थे, तो काफ़ी इसकी प्राइस हाई थी और मेरा काफ़ी दिल लग गया था इस पर, तो मैंने इसको ले लिया था। तो बस आज इसकी वीडियो में सिर्फ इतना ही था। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ को लाइक कर देना, साथ ही में अगर आपके गाना पसंद आया हो मेरा, अगर गाना आपका अच्छा लगा हो, वैसे गाना तो मैं बहुत बकवास गाता हूँ, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, और साथ ही में अगर आपको परचेज करना हो तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में वाला कि आप ले सकते हैं काफ़ी इजीली। सो इफ यू एंजॉयड दिस शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो सो मेक श्योर टू लीव ए कमेंट डाउन बिलो एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, अंटिल देन गुड बाय। Eyes in the sky, gazing far into the night, I raise my hand.